पढ़ लिख कर टीचर बनी, लड़कियों में जन जागरूकता फैलाने के लिए सैनिटरी नैपकिन, आयरन, कैल्शियम की स्ट्रिप से विशाल काय पोर्ट्रेट का निर्माण किया, जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने यहां दर्ज किया। बाद में ये सामान गरीब स्लम बस्तियों की बच्चियों को बांट दिया। उस लड़की के साथ मोहल्ले के लोगों ने बदसलूकी की, छीटा कसी की। नाराज लड़की एडीजी बंगले के सामने धरने पर जाकर बैठी। जैसे ही इस बात की जानकारी एडीजी को हुई, उन्होंने लड़कियों को अंदर बुलाया, उनसे बातचीत की, तत्काल सिविल लाइन थाने को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए हमारी खास। सैनिटरी नैपकिन आयरन कैल्शियम मल्टी विटामिन की गोली से किसी समय विशाल काय पोर्ट्रेट बनाकर एशिया बुक में नाम दर्ज कराने वाली लड़की मोहल्ले के लड़कों से परेशान होकर पहुंच गई एडीजी के पास शिकायत की। एडीजी ने तत्काल सिविल लाइन थाने को टीआई को बुलाकर उचित कार्रवाई करने की। हम आपको बता दें, कैल्शियम की गोली, मल्टी विटामिन आयरन की गोली सैनिटरी पैड से पोर्ट्रेट बनाकर एशिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली लड़की और उसकी बहन के साथ बदसलूकी, दोनों पहुंची एडीजी बंगले के पास, दिया धरना, पुलिस ने उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। मिली जानकारी के अनुसार रीवा से छोटी पुल के उस पार रहने वाली ने कहा कि दो लड़कियां जब अपने घर के पास से निकल रही थी, उसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने उनको देखकर अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे नाराज होकर दोनों लड़कियां सीधे सिविल लाइन स्थित एडीजी बंगले के सामने पहुंच गई, धरने पर बैठ गई। जैसे ही इस बात की जानकारी एडीजी को हुई, उन्होंने फौरन ही लड़कियों को बंगले के अंदर बुलाया, उनसे बातचीत की। पूरा मामला समझने के बाद तत्काल ही उन्होंने सिविल लाइन थाने में उचित कार्रवाई की। एडीजी के निर्देश के बाद सिविल लाइन टीआई सक्रिय हुए, उन्होंने संबंधित युवक को फौरन ही अपने स्टाफ को थाने लाने के निर्देश दिए। टीआई का कहना था, मैंने लड़कियों से बातचीत कर ली है, मैं लड़कों को बुला रहा हूँ, पूछताछ के बाद FIR लॉन्च की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। जिस लड़की के साथ बदसलूकी हुई, उसी लड़की ने अभी कुछ दिन पूर्व रीवा के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लड़कियों में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सैनिटरी नैपकिन, आयरन और कैल्शियम की गोलियों से विशालकाय पोर्ट्रेट का निर्माण किया था, जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। बाद में लड़की ने वह सारे सामान स्लम बस्तियों में उन गरीब परिवार के लड़कियों के बीच बांट दिए थे, जो सैनिटरी नैपकिन आयरन गोलियां नहीं खरीद पाते। उसका मकसद जन जागरूकता फैलाना, लेकिन जिस तरीके से मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की, लड़की का कहना था, मैं टीचर हूँ, लोगों को, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ, मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, पुलिस उचित कार्रवाई करें। आज आप यहाँ आए थे वेंकटेश राव जी, जो आपके ADDP हैं, आप यहाँ पे किस लिए आए थे? मैंने जितनी भी पढ़ाई करी या जितने भी आज तक जो भी अच्छे काम किए, उसको भूलकर मेरे पड़ोसियों ने मुझे प्रॉस्टिट्यूशन सेंटर में बैठाने का दावा किया है। आज मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, पर मैं सर के पास आई, सर ने मेरी बहुत सहायता करी, उन्होंने बोला है बेटा तुम घर जाओ, तो तुम्हारा मैटर है ही नहीं, मैं खड़ा हूँ अभी तुम्हारे साथ, और आप सभी लोग आए मेरी मदद के लिए, अब देखिए आगे क्या होता है। बस मैं बहुत दुखी हूँ कि मामा जी लड़कियों के लिए और उनकी बहनों के लिए इतने काम कर रहे हैं। किस बात के लिए? इसी बात के लिए कि हमारे मामा जी, हमारे CM सर, हम लड़कियों के लिए और उनकी मतलब हमारी माओं के लिए, सबके लिए इतना काम कर रहे हैं, और फिर भी होता क्या है, निचले स्तर पे उसका सिर्फ उल्लंघन होता है। हम लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं है, घर के बाहर हम निकलते हैं, हम गालियाँ खाते हैं, हमको गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, बोला जाता है कि तुम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं, सेफ्टी के लायक नहीं, तुम लोगों को किसी सेफ्टी की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं, क्या नाम है? अजय शुक्ला, अजय शुक्ला, ये डगहा मोहल्ले
पूरी बात इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसमें सिर्फ गालियां हैं। नहीं बताइए ना क्या कौन कौन सी गाली दी गई है। मैं एक स्केच आर्टिस्ट भी हूँ, मेरा सामान खत्म हो गया था, हम निकले और निकलते ही हमें हमारे पड़ोसियों ने इतनी गंदी गालियाँ दी है कि हम वहाँ से निकल के आगे ही नहीं जा पाए। क्या कार्रवाई करेंगे? हम चाहते हैं कि ये जो लड़कियों के लिए ऊपरी चल रहा है सब, की लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगी और निचले स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। इसके प्रशासन ने बहुत सारी व्यवस्था किया है। क्या मामा की वादा करते हैं? मामा से बोल रही हूँ, दो लड़कियों के द्वारा भी एडीसी का पब्लिक सामने धरना दिया गया था, क्या मामला क्या थोड़ा सा? सूचना मिली थी कि कुछ बच्चियां वहां पे शिकायत की हैं साहब के यहाँ, बच्चियों को थाने बुलाया गया, ये पाया गया है कि इनके पड़ोस में कोई सोनू तिवारी हैं, बच्चियों के साथ संजू तिवारी हैं, जो बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। संजू तिवारी को भी बुला लिया गया है, दोनों पक्षों से बातचीत करके और मुद्दा क्या है उसमें FIR दर्ज की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में तो थाने में कोई ऐसी सूचना नहीं मिली थी, लेकिन अभी उसको बुला लिया गया है, लड़कियां भी हमारे पास ही हैं और एक पार्टी वहां ज़रूर है जिनका विवाद जमीन का लेके विवाद इनका चल रहा है, लेकिन फिलहाल इससे संबंधित तो प्रकरण नहीं है। सोनू तिवारी का भी नया विषय आया है सामने, क्यों संजू तिवारी क्यों उसने गाली गलौज किया, लड़कियों की कंप्लेंट्स ले ली गई है, आगे की जांच इसमें कार्रवाई की जा रही है।